हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑनियन ग्रेवी है। ये देखिए, हमने ऑनियन लिया है और काजू मगज हमने ले लिया है, तो जिसको हमने येलो ग्रेवी बोलते हैं। ये ऑनियन को हम एक ऑनियन को हमने 1/4 कट कर लेंगे और फिर हम इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। आइए आपको दिखाता हूँ हमारा ऑनियन ग्रेवी कैसा बनते हैं। देखिए, हमने ऑनियन को इस तरह 1/4 कट कर ले रहे ग्रेवी के लिए। ये बहुत आसान तरीका से जल्दी जल्दी बॉयल होने के लिए हमने 1/4 कट कर ले रहा हूँ। हमने ऑनियन को कट करके लेके अभी बॉयल करने को चढ़ाया और इसमें थोड़ा सा हमने देखिए टमाटर ढाला। टमाटर 2 किलो टमाटर ढाला इसलिए क्योंकि ऑनियन ग्रेवी में टमाटर नहीं ढालेंगे तो थोड़ा कड़वा आता है। ये कड़वा के लिए हमने 2 किलो टमाटर ढाल दिया। अब हम इसमें ढालेंगे काजू। ये देखिए काजू, काजू हमने ढाल दिया और मगज भी हमने लिया है, जो मगज वो मगज हमने ढाल दिया, काजू मगज हमने ढाल दिया। अब इसमें ढालेंगे देखिए सॉल्ट, हमने सॉल्ट ढाल दिया, अपना हिसाब से ढाल लीजिएगा। और ढालेंगे हल्दी पाउडर, ये देखिए हल्दी पाउडर ढाल दिया और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हम इसको बॉईल करने के लिए चालू कर दिया। हमारा ऑनियन ग्रेवी के लिए ऑनियन काजू मगज पूरा बॉईल हो चुका है और हम सब मिक्स करके बॉईल किया है। आप चाहे तो काजू मगज को अलग से बॉईल कर सकते हैं। हम ऑनियन बॉयल हुआ ऑनियन को हम पेस्ट कर रहा है, देखिए मशीन में डाल के एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ग्रेवी के लिए हांडी रेडी किया। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ये देखिए, हमने ऑयल डाल दिया। अभी धीरे धीरे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो चुका है और हम खड़ा मसाला डाल देंगे इसमें। फिर डाल दिया जावित्री, तेज पत्ता, ये सिनेमन स्टिक, ये देखिए ब्लैक पेपर, स्टार फ्लोर, ये सब हमने ढाल दिया। देखिए हम इसमें हल्का सा चलाएंगे। ग्रेवी के लिए ले रहा हूँ देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसमें, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग, गरम मसाला, जीरा पाउडर और हम ढालेंगे देगी मिर्च, थोड़ा कलर आ जाएगा। और हम थोड़ा पानी इसमें ढाल देंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी ढाल दिया, इनको मिलाएंगे बराबर। तो देखिए मैंने किस तरह से मिला रहा हूँ, इस तरह से आप भी मिला लीजिए। और फिर हम ढालेंगे हांडी में। देखिए हमने ढाल दिया, तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए हमने पूरा मसाला ढाल दिया। धीरे धीरे चलाएंगे, थोड़ा पक जाएगा तो फिर हम अपना पिसा हुआ ऑनियन इसमें ढाल देंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी ढाल रहा है हम अभी। ये देखिए देखिए हम हांडी खाली कर दे रहे हैं। देखिए हम धीरे धीरे इस ग्रेवी को पकाएंगे। ये लगभग 2 घंटा टाइम लगेगा ये ग्रेवी को रेडी करने के लिए। ये देखिए हमारा ग्रेवी कुकिंग हो रहा है। अभी हम इसमें बटर ढाल देंगे 1/2 किलो। देखिए बटर ढाल दिया, ये ग्रेवी पक रहा है। ये देखिए हमारा ग्रेवी रेडी हो गया। अभी साइड में धीरे धीरे रोगन छोड़ रहा है। पूरा ग्रेवी रेडी है, हमारा ऑनियन ग्रेवी पूरा रेडी हो गया।